नमस्ते दोस्तों, घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं केर की सब्जी की रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत खाने में अच्छी है और ये लाभदायक है सब्जी। ये सब्जी मार्च और अप्रैल के महीने में जब केर आते हैं तब बहुत अच्छे कच्चे कच्चे केर लेकर के बनाई जाती है। आइए देखिए केर की सब्जी बनाने की रेसिपी। हमने केर लिए हैं, मार्च अप्रैल के महीने में केर की ऋतु आती है। जब केर अच्छे उगते हैं तब हमने खरीद करके इन्हें नमक और छाछ के पानी में 8 दिन तक गला लिया था। अब इन्हें हमने साफ पानी से धो लिया है और इन केर की जो पीछे की डंडियां हैं उनको हम तोड़ लेंगे। इस तरीके से सभी केर की डंडियों को हमें तोड़ लेना है। केरों की डंडियों को तोड़ लेंगे। हमने दिखाने के लिए वीडियो में केर है ना तोड़ के तैयार रखे हैं डंडिये, और इनको हमने अच्छी हवा के अंदर पंखे के नीचे 6 से 7 घंटे तक सुखा लिया था। और इस केर की हम सब्जी भी बना सकते हैं और अचार भी बना सकते हैं। एक कटोरी में हमने तेल लिया है, लहसुन को हमने मोटा मोटा कूट लिया है, एक प्याज हमने काट लिया है, एक केरी की खटाई ली है, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हमने नमक लिया है क्योंकि हमने केर को नमक में गलाया था इसलिए ज्यादा हो जाएगा, हमने इसलिए कम ही नमक लिया है, और जीरा और मेथी छोकन के लिए लिए हैं, और सौंफ और चिरायता लिया है। हमने एक केरी ली है, इसको हम छील करके कस लेंगे। इन डंडी टूटे हुए केर को हम अमाम दस्ते में कूटेंगे। कूटने से इनमें मसाला अच्छी तरह भरेगा। हमने केर को अच्छी तरह कूट लिया है और केरी को भी हमने छील करके कस लिया है। अब हम तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है। दाना मेथी और जीरा तेल में डालेंगे। डाल प्याज को, गरम हो गया ना। जीरा गुलाबी हो गया, इसमें एक प्याज डाल गुलाबी होने तक भून लेंगे। जब तक प्याज गुलाबी होंगे तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में हमने कुटा हुआ लहसुन है, इसमें हम मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर, नमक, पानी डाल के मिला लेंगे। प्याज गुलाबी हो गए हैं, अब इसमें हम मिलाया हुआ मसाला डालेंगे। मसाला पक गया है, तेल छोड़ दिया है, अब इसमें हम कसी हुई केरी डालेंगे, कूटे हुए केर डालेंगे, और आंच को हम धीमी रखेंगे और अच्छी तरह मसाले में मिला लेंगे केर। हम 5 मिनट के लिए इसे भाप में पकने के लिए ढक देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम ढक हटाएंगे, देखेंगे हमारी सब्जी पक चुकी है। अब इसमें हम चिरायता डालेंगे, सौंफ डालेंगे और कुछ देर पकाएंगे। केरी प्याज की सब्जी बन के तैयार है, अब हम इसे प्याले में सर्व करेंगे। केर की सब्जी बन के तैयार है, हम सर्व करेंगे। केर की सब्जी में हमने पानी कम डाला है जिससे कि ये ज्यादा दिन तक चलेगी और अच्छी तरह हम मन से खा सकेंगे। आइए आनंद लीजिए।